अध्याय एक देख रहे हैं, संविधान क्यों और कैसे। अब समाज की क्या आकांक्षाएं हैं और क्या लक्ष्य है। देखिए, जो हमारा संविधान है यह एक ऐसा उदाहरण है जिसमें यह एक ढांचा प्रोवाइड करता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर या ये कहें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिससे लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छे काम किए जा सके। कहने का मतलब कि आप और मेरी जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो पूरी की जा सके, उनके ऊपर काम किया जा सके। जिन समाजों में असमानताएं हैं या ये कहें कि असमानता की गहरी खाइयां हैं, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अगर हम वहां क्या करें कि सरकार पे या सरकार की शक्तियों को हम रोकें, खत्म करें या ये कहें प्रतिबंध लगा दें, तो ये पूरा काम नहीं हो पाएगा। वहां हमको सरकार को इतना समर्थ बनाना पड़ेगा, सरकार को इतनी पावर देनी पड़ेगी, उसको इतनी शक्ति देनी पड़ेगी जिससे वो आपकी और हमारी, यानी जो असमानताएं हैं, मान लीजिए आप गरीब हैं, मैं अमीर हूं, हमारी जो असमानता है, कोई गरीब है कोई अमीर है, हमारे बीच में हो सकता है जातिगत भेद हो, इनको निपटने के लिए सरकार को पावर देना या सरकार में पे प्रतिबंध कम लगाना ये जरूरी हो जाता है, ताकि मेरी और आपकी आकांक्षाएं और हमारे जो लक्ष्य हैं, हमारा लक्ष्य क्या होता है, हम अच्छी जिंदगी व्यतीत करें, हमें ज्यादा परेशानी ना हो। दक्षिण अफ्रीका की हम बात करें तो वहां पर अपार्थेड यानी कि नस्लीय भेदभाव, गोरों और कालों इनके बीच में जो भेदभाव है, इसका बहुत पुराना इतिहास है, बहुत सालों तक चला है। तो फिर उसके बाद जो संविधान दक्षिण अफ्रीका में बनाया गया, उस पे बेस ये था कि इस सरकार या ये संविधान या सरकार इस तरीके से बनाई जाए कि जो नस्ली भेदभाव सालों से चला आ रहा है, इसको कम ना किया जाए, इसको मिटाया जा सके, इनको खत्म किया जा सके। तो संविधान समाज की जो इच्छाएं हैं, मेरी आपकी जो आकांक्षाएं हैं, उसी का एक आप कह सकते हैं प्रतिबिंब है। जैसे अगर हम मैं भारत के संविधान के बारे में बात करूं, तो हमारे संविधान के जो निर्माता हैं, उनका एक ही ध्येय था, एक ही एम था कि जो आपकी और हमारी जो बुनियादी समस्याएं हैं, बुनियादी जरूरतें हैं, जिसे हम बुनियादी भौतिक जरूरतें यानी कि हम फिजिकल रिक्वायरमेंट्स कहते हैं, जिसमें रोटी कपड़ा मकान तो आता है, साथ में शिक्षा आती है, स्वास्थ्य आता है, एक तो ये चीज हो गई, ये हमें मिलना चाहिए। दूसरी चीज कि हम खुशी से, गरिमा से, इज्जत से और आत्मसम्मान से रह सके। तो गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान ये भी जरूरी है, इसीलिए हमारे जो संविधान निर्माताओं ने इस पर बहुत खास ध्यान दिया। तो मैं आपको अब चौथा काम बता रहा हूं संविधान का। संविधान का जो चौथा काम है वो ये सीधा है कि सरकार को ऐसी पावर, अगर मैं ऐसे सरकार बनाऊं तो इस सरकार को इतनी पावर मिले या ऐसी क्षमता मिले जिससे ये आपकी और मेरी आकांक्षाओं, इच्छाओं, हमारी जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। साथ में मेरे और आपके बीच में अगर कोई असमानता है, गरीबी अमीरी की रेखा है, जातिगत भिन्नताएं हैं, उनको भी दूर किया जा सके, या ये कहे कि एक न्यायपूर्ण समाज, एक समाज ऐसा जिसमें न्याय या लॉ हो और ऐसी परिस्थितियां बन सके जिससे मैं और आप बहुत मोहब्बत से, अच्छे से रह सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान को समर्थ बनाने वाले कुछ प्रावधान कैसे प्रोवाइड करता है, जरा मैं एग्जांपल छोटा सा देता हूं आपको। दक्षिण अफ्रीका में मैंने जैसे बताया कि अपार्थेड यानी कि जो नस्लीय विभिन्नता थी, जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी, इतने बड़े बड़े नेल्सन मंडेला का हमने नाम लिया कि जो इतने साल अंदर रहे केवल इस नाम से कि वो गरीबों को या कहें कि जो काले थे उनको बराबरी का हक देना चाहते थे। तो इसके अलावा संविधान में, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में ये चीज तय की गई कि हर एक इंसान को, हर एक आदमी को आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं कौन देगा, ये संविधान में लिखा गया। अब देखिए, ऐसे नहीं कि सरकार ने कानून बना दिया ना,
सरकार ने कानून नहीं बल्कि संविधान में लिखा हुआ है कि सरकार को यह पूरी कोशिश करनी है कि हर एक इंसान को आवास मिले, रहने की जगह मिले और उसके हेल्थ स्वास्थ्य सुविधाएं उसको पूरी उपलब्ध की जाए, ये संविधान में लिखा हुआ है। ऐसी मैं इंडोनेशिया की बात करता हूँ। इंडोनेशिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा की बात है, उसके लिए संविधान में प्रावधान है। इसके अलावा एक और चीज़ बताता हूँ कि जो गरीब और अनाथ बच्चे हैं, अगर हम अपने और जगह की बात करें, गरीब देशों की बात करें, तो गरीबों और अनाथों का कोई माए बाप नहीं है। ये कैसे जी रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं, बड़ी मुश्किल से ये ज़िंदगी जी पाते हैं, और ये जीते तो बड़ी दयनीय ज़िंदगी जी पाते हैं। तो इंडोनेशियन सरकार ने या फिर वहाँ के जो संविधान निर्माताओं ने कहा कि देखिए जो गरीब और अनाथ बच्चे हैं इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सरकार लेगी। उनको पालना, उनको पोसना, उनको शिक्षा देना, ये जिम्मेदारी किसकी है, इंडोनेशियन सरकार की। अब आप समझ गए कि किस तरीके से संविधान को समर्थ बनाया जा सकता है, संविधान सरकार को समर्थ बना सकती है। अब बात की जाए राष्ट्र की बुनियादी पहचान, हम एक राष्ट्र को कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं। किसी भी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। जैसे एक समाज है, हमने कहा कि ये कोरी समाज है, हमने कहा ये कोई जाट समाज है, ऐसे हम पहचानते हैं, है ना, इसी तरीके से हमें जानकारी मिलती है, ऐसे हम जानते हैं। लेकिन जो बुनियादी नियम है, कुछ ऐसे नियम और सिद्धांत हैं, अगर हम इस पे सहमत होते हैं तो हम अपनी राजनीतिक पहचान बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कुछ नियमों का पालन करने लगे या सिद्धांतों को फॉलो करने लगे तो हमारी इस इकाई से पहचान हो ही रही है। इसके अलावा हमारी ऐसी पहचान भी हो रही है जिसको हम राजनीतिक पहचान कह सकते हैं, जब हम कुछ नियम और सिद्धांतों को फॉलो करें या उसको आत्मसात करें। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं। कहने का मतलब संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। आप इसको समझिए, मैंने दो तरीके की पहचान बताई थी, अब आपकी तीसरी पहचान आ गई है, नैतिक पहचान। बहुत सारे बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए गए हैं। कहने का मतलब यह है कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बच्चों की शिक्षा, एक छोटा बच्चा है उसकी शिक्षा। अब यह आप कोई बड़ी चीज तो नहीं मांग रहे, आप कोई हवाई जहाज, कार या कोई फाइव स्टार होटल में एक नाइट का डिनर तो मांग नहीं रहे, आप केवल कह रहे हैं कि एक बच्चे को शिक्षा दी जाए। तो ये जो बुनियादी है, ये बुनियादी चीज़ है, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब बुनियादी चीज़ें हैं। तो फिर से बताता हूँ कि होता यह है कि राष्ट्र की बुनियादी पहचान कैसे होती है। सबसे पहले हम एक समाज में रहते हैं, वहाँ हमारी सामाजिक पहचान है। फिर हम आ जाते हैं कि हम कुछ नियम और सिद्धांत को मानेंगे तो राजनीतिक पहचान हम अपनी बना लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगर संविधान हमारे इस तरीके के आधिकारिक बंधन को तय करता है, इस तरीके की परिधि को तय करता है कि हम ये जान सकते हैं कि हमारी नैतिक पहचान क्या है, नीतिगत पहचान क्या है। और उसके बाद ये जो हमने जितनी भी बात की, राजनीतिक पहचान और नैतिक पहचान, जो भी नियम अगर इस तरीके के हैं, ये सारे जो संविधान में, कई संविधान में ये चीज दी गई है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया बच्चे की शिक्षा, इंडोनेशिया, और हमने दक्षिण अफ्रीका की बात की, वहां पर जो बुनियादी चीजें हैं वो रखी गई। ऐसी हमारे देश के संविधान में या हिंदुस्तान के संविधान में भी बहुत सारी जो बुनियादी चीजें हैं वो हमें पहचान दिलाती हैं। जितने भी संविधान हैं वो हमारी जो मूलभूत अधिकार है, जैसे मैं फिर से बताऊं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमारे मूलभूत अधिकार हैं। जितने भी संविधान हैं उनमें, हमने किसी भी संविधान को देख लीजिए आप, वहां पर बिल्कुल क्लियर है कि जो एक नागरिक की जरूरत है, जो उसकी मूलभूत अधिकार हैं, आवश्यकताएं हैं, उनकी रक्षा संविधान करता है। यानी कि हम ऐसी सरकार बनाते हैं जो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक होती है, जनता के लिए होती है, जनता द्वारा बनाई जाती है और जनता के हित में काम करती है। क्योंकि होता यह है, देखिए, एक संविधान हो गया, क्या यह इटली में चल सकता है, क्या यह म्यांमार में चल सकता है, क्या यह थाईलैंड में चल सकता है, क्या इंडिया में चल सकता है? नहीं, एक संविधान हर जगह नहीं चल सकता, क्योंकि जितने भी राष्ट्र हैं वो उनकी बहुत उतना उनका बहुत बड़ा इतिहास है। हमारे यहाँ अंग्रेजों ने 200 साल राज किया, कई ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसा नहीं था। तो हमारी जो परंपराएं हैं या फिर इतिहास जो हमारा है वो अलग है।
तो हर एक राष्ट्र के लिए एक जैसा संविधान नहीं हो सकता। एक एग्जांपल देता हूं, तो जर्मनी का जो निर्माण हुआ है, जर्मन जो देश है उसका निर्माण जर्मन नस्ल यानी जो जर्मन ओरिजिन के लोग हैं, जर्मनी के जो निवासी जो जिसे कहते हैं हम नेटिव्स, उनके आधार पे हुआ जर्मनी का निर्माण। संविधान ने भी कहा हाँ ठीक है, संविधान ने बकायदा इसकी मान्यता दी, पहचान इसकी अभिव्यक्ति दी। अब आइए भारत पे, भारत में जो संविधान है वो जातीय या नस्ल के आधार पे नहीं बना, यानी हमारा संविधान किसी जाति को या किसी नस्ल को किसी ओरिजिन को इसके आधार पे नागरिकता को मान्यता देता ही नहीं है। ये अंतर है हर एक देश के संविधान में, हर एक देश में जो पिछले जमाने में हुआ उसके हिसाब से संविधान बना है। बात की जाए अब संविधान की सत्ता की, मतलब संविधान की सत्ता यानी संविधान की पावर। अब कुछ ऐसी चीजें हम डिस्कस करना चाहेंगे कि ये यहां पर भारतीय और अन्य संविधानों के कुछ प्रावधान दिए गए हैं। अब इसमें आपको बताना है कि ये प्रावधान का क्या कार्य है। जैसे सरकार किसी भी नागरिक को किसी धर्म का पालन करने या ना करने की आज्ञा नहीं दे सकती, तो ये सरकार की शक्ति या सीमा है, मतलब सरकार की शक्ति या सीमा को सीमित किया गया है। किसके द्वारा? संविधान द्वारा। सरकार को आय और संपत्ति की असमानता को कम करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। इसका मतलब ये सरकार के लिए कुछ नियम कानून है, परिधि है, या ये कहें कि सरकार के लिए निर्देश है कि उसे क्या करना चाहिए। राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति है। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है, संविधान ने अधिकार दिया है। यहाँ पर बकायदा जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है या कहें सत्ता की बंटवारा है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। फिर संविधान वह सर्वोच्च कानून है जिसका सभी को पालन करना पड़ता है, यानी संविधान की ये एक नियम और कानून इस तरीके से बनाए गए हैं जिससे देश का हर नागरिक, चाहे वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्यों ना हो, चाहे आम नागरिक क्यों ना हो, उनके लिए संविधान सबसे ऊपर है, बाकी चीज़ें नहीं है। उनकी जातिगत व्यवस्था, उनकी धार्मिक मान्यताएं, ये सब कोई मैटर नहीं करती है। भारतीय नागरिकता किसी खास नस्ल जाति या धर्म तक सीमित नहीं है। इसका मतलब ये है कि संविधान ने क्लियर कर रखा है कि नागरिकता किसी भी एक विशेष समुदाय विशेष वर्ग के हिसाब से नहीं दी जाएगी। तो ये जो हमने देखा इससे ये बड़ा क्लियर हो जाता है कि अधिकतर समाजों में जो संविधान है वो कुछ इसी तरीके से है कि संविधान के बारे में हम जो प्रश्न करते हैं कि संविधान है क्या, संविधान कितना पावरफुल है, कितना प्रभावी है, क्या संविधान न्याय करता है, क्या संविधान न्यायगत व्यवस्था के हिसाब से बनाया गया है। तो संविधान हर एक देश में हम देखते हैं अलग अलग तरीके से है। तो संविधान जो है मोस्टली आप देखेंगे कि 3/4 जो देश है पूरे विश्व में वो लोकतांत्रिक है, 1/4 लोकतांत्रिक नहीं है। कई जगह जहां लोकतांत्रिक नहीं है वहां भी संविधान है। तो संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में कई देशों में है, यानी कि बाकायदा ये एक ऐसी बुक है जहां पर चीजें दर्ज है। ये प्रावधान हमें इसमें जो लिखित है वो बताते हैं कि राज्य कैसे बनेगा, देश में सरकार कैसे बनेगी, और कौन कौन से सिद्धांतों का हमें पालन करना है, कौन कौन से सिद्धांतों का जो सरकार है उसको पालन करना है, सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं संविधान के अंतर्गत जो आती हैं उसको क्या क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है। लेकिन कई ऐसे देश हैं जैसे इंग्लैंड है, उसके पास कोई दस्तावेज है ही नहीं, ये एक किसी साहब ने इसको लिखा हुआ है एक स्टोरी के नाम पे या किसी एक बुकलेट के नाम पे, लेकिन उनके पास संविधान के नाम का कोई दस्तावेज नहीं है कि भाई हम इसको संविधान कह सके, बल्कि उनके पास जो दस्तावेज है और जो निर्णय लिए गए हैं यानी कि जो कागजात हैं या ये कहें कि जो उनके पास पन्ने हैं डॉक्यूमेंट है और जो निर्णय लिए गए हैं बहुत समय से जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसकी बाकायदा एक श्रृंखला है, एक कड़ी है। यानी जैसे मान लीजिए एक डेट पे किया गया, फिर दूसरी डेट पे हुआ, तीसरी डेट पे हुआ, इन सबको साथ रख लिया गया इस तरीके से। तो इसको सामूहिक रूप में ये कहते हैं ब्रिटिश जो इंग्लैंड के लोग हैं या फिर इंग्लैंड में जो मान्यता है वो इस तरीके से है कि यही संविधान है, इसको संविधान कहा जा सकता है। तो संविधान किसी देश में हो सकता है अलग रूप में, किसी देश में अलग रूप में हो सकता है। अब संविधान को प्रचलन में लाने का क्या तरीका है, संविधान को कैसे लाया जाए? बहुत सारे
ऐसे देश हैं वहां पर संविधान इसलिए काम नहीं कर पाता या कर रहा है क्योंकि उन संविधान को, इस संविधान को किसने बनाया? जो शासक हैं, सैनिक शासक, उन्होंने बना दिया, या ऐसे नेताओं ने बना दिया जो कि लोकप्रिय नहीं थी, जिनको लोग चाहते ही नहीं, पसंद ही नहीं करते। सैनिक शासक जो बनाएगा वो उस तरीके से बनाएगा पावर, अपना पावर रिटेन करने के लिए। जो लोकप्रिय नेता नहीं है वो अपने हिसाब से बनाएंगे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग जिनको लोग जिन जो लोगों से कनेक्ट नहीं है या लोगों को साथ चल लेकर चलने की जिनमें क्षमता ही नहीं है, उन लोगों ने बना दिया ये संविधान। विश्व में जो सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त, तो सबसे ज्यादा जो सफल अगर हम संविधान कह सकते हैं, तो एक तो भारत का संविधान है, दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका का है, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। तो ये ऐसे संविधान हैं, इनका एग्जाम्पल लिया जा सकता है क्योंकि ये एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन, हमने अंग्रेजों के खिलाफ जो एक आंदोलन चलाया उसके बाद हमें स्वतंत्रता मिली। इसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका में हुआ, नस्ली भेदभाव को ख़त्म किया गया, अमेरिका में भी इसी तरीके से हुआ। तो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, बहुत समय तक चले, सालों तक चले, उसके बाद ये देश बने, इसीलिए इनके जो संविधान बने उनकी मान्यता सबसे ज्यादा है, माना जाता है इसको। भारत में जो संविधान बना उसके लिए एक बकायदा संविधान सभा थी, तो संविधान सभा ने दिसंबर 1946, ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1946 और नवंबर 1949, तकरीबन 3 साल का आपको इसमें पता चल रहा होगा, इसके बीच में एक बकायदा संविधान सभा थी, यानी कि एक बकायदा लोगों का एक ग्रुप था, समूह था, उन्होंने हमारे देश में संविधान बनाया। लेकिन जब यह संविधान बनाया उसके पहले जो भी चीज हुई, देश में राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, उसकी इन्होंने प्रेरणा ली, क्योंकि हमारा बहुत लंबा इतिहास था। तो संविधान को इसलिए वैधता मिली, हमारे देश का संविधान इसलिए इतना मान्य है, हमारे देश के लोग संविधान को इतना मानते हैं क्योंकि जिन लोगों ने बनाया और उनको वो डायरेक्ट सीधा संवाद कर सकते थे, लोगों के में लोकप्रिय थे, लोगों ने उनको माना और सम्मान था उनका, इसीलिए ऐसा उन्होंने संविधान बनाया जो बहुत ही पावरफुल है, लोग उसकी इज्जत करते हैं। अच्छा, कुछ देशों ने जो अपना संविधान बनाया उस पर जनमत संग्रह कराया, यानी कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया और लोगों से कहा कि इस पर आप अपनी राय दीजिए, जनमत संग्रह कराया, लोग अपना पक्ष में राय दे सकते थे, विपक्ष में राय दे सकते थे कि नहीं ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं है। अब भारत में जो संविधान है इसमें ऐसा कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ, बना दिया गया और लोगों के सामने पेश किया गया। संविधान बनाने वालों का प्रभाव, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि संविधान सफल होगा कि नहीं होगा। जैसे मैंने बताया, कोई आर्मी वाला आदमी बना दे या ऐसा आदमी बना दे जिसको सरकार पसंद, जो जिसको लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं एज अ सरकार या एज अ नेता, वो लोग बना दें तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। ऐसे नेपाल के संविधान के साथ हुआ कि वहाँ के जो राजा है, पहले उन्होंने राज किया, फिर उन्होंने जो डेमोक्रेटिक सरकार भी बनाई उसके भी पावर अपने पास रखे, तो ये सब चीज़ें, फिर माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी आई, तो ऐसी जगह पे संविधान के सफल होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो संविधान में कुछ मौलिक प्रावधान है, कुछ बेसिक प्रावधान है। तो एक सफल संविधान की, अगर हम एक सफल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो इसकी सीधी विशेषता, या आप ये कहेंगे कि सफल कैसे होगा, कि मैं और आप, हम इसकी इज्जत करें, इसके सामने झुके, सलाम करें इसको, और हमारे लिए कुछ ना कुछ इस कॉन्स्टिट्यूशन में होगा, ये मेरे लिए, ये आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे होगा ताकि हम इसकी इज्जत कर सकें। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि आप मान लीजिए हिंदुस्तान में हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ। अब संविधान में बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समूहों का उत्पीड़न करने के लिए अनुमति अगर मान लीजिए दी गई, हिंदुओं को मुस्लिम पे अन्याय करने की अगर, या फिर मुस्लिम कर दें या फिर तीसरे आदमी को भी जोड़ लें, सिख साहब, हिंदुओं को सिख पे कोई ये कहे कि उत्पीड़न करने के लिए उसमें दिया हो आपके संविधान में, तो क्या एक मुस्लिम या कोई एक सिख इस कॉन्स्टिट्यूशन का आदर करेगा? आप मुझे खुद ही सोच के बताइए, करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। मान लीजिए आप एक अनुसूचित जाति के हैं और आप किसी भी ब्राह्मण के साथ कोई भी बुरा व्यवहार कर सकते हैं,
अगर ऐसा इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो जो ब्राह्मण है या वो लोग हैं जिनके खिलाफ इसमें लिखा, वो इसका आदर करेंगे? नहीं करेंगे। इसका मतलब अगर किसी पहचान को दबाया जा रहा है या छोटे समूहों को दबाया जा रहा है या हर आदमी के लिए कुछ ना कुछ यहां पर नहीं है, तो संविधान के उस तरफ आप आदर की भावना से नहीं देखेंगे। ये बहुत जरूरी हो जाता है कि संविधान को हम इज्जत से देखें। आप एक एग्जांपल देता हूं, एक रेस्टोरेंट है जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों मिलता है, तो आप भी जा सकेंगे, मैं भी जा सकूंगा। लेकिन एक रेस्टोरेंट है केवल वेज मिलता है, तो इसमें वेजिटेरियन जा सकेंगे, नॉन वेज तो जा ही नहीं पाएगा। तो आप समझ लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके का होटल है जिसमें गुजराती थाली भी मिलती है, जिसमें मारवाड़ी थाली भी मिलती है, जिसमें कश्मीरी नान भी मिलती है, सब चीज़ें मिलती है, और आप हम और आप सब इसको आराम से जाते हैं, चखते हैं और आदर करते हैं, भरपेट करके आते हैं। संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा, इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, अगर एक अच्छा संविधान बना है या ढंग से अगर एक संविधान बनाया गया है, तो जो पावर है उसको इस तरीके से बांटा जाता है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट है, जहां विधायिका जिसे हम कहते हैं, जहां पर लेजिस्लेचर, जहां पर कानून बनते हैं, जो इसको एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूशनरी होता है, वो एक संस्था है, और जुडिशरी। यानी इस तरीके से पावर को तीन भागों में या अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, जिससे कोई भी एक समूह, मान लीजिए पार्लियामेंट के लोग इतने ज़्यादा आ गए एक पार्टी के, वो पूरे देश को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं, या वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन को हटा दो, न्यायपालिका को हटा दो, क्योंकि वो तो सरकार के अधीन नहीं आती, वो तो इंडिपेंडेंट है, तो ऐसे पार्लियामेंट को तो आप आने नहीं देंगे ना। तो इसीलिए आपको पावर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो एक अच्छा संविधान वही है जिसने पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा हो, शक्तियों को इस तरीके से बांट रखा हो कि कोई एक ऐसी संस्था ना हो, ऐसी सरकार ना हो जो सब चीज़ों को ख़त्म करने पर आमादा हो जाए। यानी किसी एक संस्था में अगर आप सारी शक्तियां दे देंगे या एक अधिकार दे देंगे तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। तो भारतीय संविधान शक्ति को एक समान धरातल पर, आपने देखा होगा एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, तो जो हमने पढ़ा था कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को किस तरीके से अधिकार मिले हैं, तो इससे यह है कि हमारे पास एक बाकायदा स्वतंत्र निर्वाचन आयोग भी है। जो न्यायपालिका है वो सरकार के अधीन आती ही नहीं है, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर सकती, चाहे विधायिका हो या कार्यपालिका हो, जिससे किसी की एक के पास इतनी शक्ति हो जाए कि बाकी संस्थाओं को ख़त्म करने पर आमादा हो जाए। इसे कहते हैं संस्थानों की संतुलित रूपरेखा। एक और चीज़ बताऊंगा आपको कि जो सफल संविधान है, एक अच्छा संविधान है, वो क्या करता है? वो एक तो पहले सब लोग, सब मूल्यों की रक्षा, यानी कि जो बेसिक मूल्य हैं, चाहे वो हमारे आपके हो, चाहे वो समाज के हो, चाहे देश के हो, हमारे मूल्यों की रक्षा करता है, और अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ रही है उसको उसके हिसाब से अपने आप को चेंज भी करता है। मतलब कोई संविधान अगर कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये कि ये जो लिख दिया गया है वो लिख दिया गया, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। तो एक अच्छा संविधान वो भी होता है जो मूल्यों की रक्षा करता है, लोगों की भलाई या फिर देश को इस तरीके से समझता है कि हर चीज़ें, चाहे वो जीवित हो, अजीवित हो, जानवर हो, गरीब हो, महिलाएं हैं, सबका सम्मान हो। साथ में अगर कोई चेंज करना हो परिस्थितियों के हिसाब से, तो उसको हम अमेंड भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो अपने प्रावधानों में, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, अगर उसमें हम परिवर्तन कर सकें, अगर इसमें परिवर्तन की संभावना हो, तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि एक बहुत संविधान ये सुनिश्चित कर देता है कि ये संतुलन बनेगा, क्योंकि जो पहले शायद 100 साल पहले जो चला आ रहा हो वो तो आज नहीं चलेगा ना, उसको चेंज कर सकेंगे। इसी से हमारा संविधान और दीर्घायु होता है, यानी जनता इस पे और विश्वास करती है कि देखिए अगर आप नई चीज़ आ गई, ऐसी जो हमने, जो संविधान बनाने वालों ने कभी सोचा नहीं था, वो चीज़ आ गई, उस हिसाब से संविधान को चेंज किया जा सकेगा। और इस व्यवस्था से ये भी बहुत क्लियर हो जाएगा, सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी वर्ग या समूह अपने बलबूते पर संविधान को नष्ट नहीं कर सकता। इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि अमेंडमेंट कर सकते हैं और मूल्यों की रक्षा भी करता है, तो कोई भी ऐसा अगर सिचुएशन बन जाए कि कोई ख़त्म करने की कोशिश करे, वो नहीं कर सकता। तो ये पता लगाने के लिए कि क्या किसी संविधान की सत्ता मान्य है, या कहें कि संविधान अच्छा है कि नहीं अच्छा है, आप दो चार प्रश्न पूछ लीजिए। पहला प्रश्न, क्या जिन लोगों ने संविधान बनाया वो लोग विश्वसनीय थे? अगर वो लोग विश्वसनीय थे, संविधान अच्छा है। दूसरा, क्या संविधान में सुनिश्चित किया गया है
कि जो शक्तियां हैं, मतलब पावर का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई कहीं ऐसा तो नहीं कि संविधान या फिर देश को नष्ट करने के लिए कोई ऐसी पार्टी आ जाए जिसको आपने पूरा पावर दे दिया है। अगर ऐसा नहीं है तो संविधान अच्छा है। तीसरा, संविधान न्यायपूर्ण है कि नहीं है। जितने समूह, जितनी जाति, जितने वैरायटी, जितनी डिवर्सिटी एक देश में है, अगर उन सब के लिए काम किया गया है, इनके लिए भी, इनके लिए भी, इनके, मैं नाम नहीं लेता हूं, सभी के लिए मान लीजिए, हर एक व्यवस्था ले लीजिए, हर एक समूह ले लीजिए, अगर संविधान न्यायपूर्ण है, सबको न्याय देता है, संविधान अच्छा है। अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं है तो संविधान अच्छा नहीं है। भारतीय संविधान बना कैसे, इसकी चर्चा हम अगले डिस्कशन में करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।